ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुझे हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के रूप में एक अध्याय समाप्त हुआ है, अभी दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, होने वाला है। ये अध्याय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुझे हिमाचल प्रदेश लोगों से बहुत ही प्यार मिला। हिमाचल प्रदेश सुंदरी प्रदेश है और वैसे ही लोग भी उतने ही जो है सुंदर है और बहुत ही लोग जो है अच्छे लोग। मुझे यहाँ से जाते समय थोड़ा दुख भी लग रहा है, यहाँ का जो वातावरण है, मेरे स्वास्थ्य काफी अच्छा बना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं जो कार्यकाल में जो काम किया हूँ, सारे अधिकारी और सारे मंत्री, सारे राजनीतिक पार्टी और हमारे मीडिया के मित्र सभी लोग जो है बहुत ही मुझे आदर किए और मेरा सहकार भी किए, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सबसे ज्यादा जो हमारा शिक्षा के बारे में जो काम करना चाहिए, शिक्षा में सारे हमारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स जो नए शिक्षा नीति के आधार पर अच्छे काम उन्होंने आगे बढ़ाया और नए तकनीकों से हिमाचल प्रदेश की जो बेरोजगारी है इसको दूर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट जो बढ़ाने का हमारा प्रयास काफी रहा है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे को सामने मिले। और दूसरा मेरा जो ज्यादा प्रयास रहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में जब गलवान की वातावरण निर्माण हुआ, इसी समय में हमने मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब को बुलाकर हम जो है वहां पर स्थिति के बारे में आकलन किया है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का और वहां पहाड़ एरिया के गांव में लोगों को हिम्मत दिलवाने का, ये काम भी जो है आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे अच्छा लगा है। आगे जो डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है सारे गांव जाकर लोगों में हिम्मत बढ़ाया है। और मैं राजनाथ सिंह जी से भी बातचीत किया था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी अच्छे कदम उठाए कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के जितने भी चीन से संबंधित गांव है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम काफी अच्छे आगे बढ़ रही है।